अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.6, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया है 5 वाला, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। आप इसको सॉल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x^4 - 10x^2 + 9=0, जबकि हमारे पास जो 1 और 3 है इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो यहां लिखने आपने बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब यहां जो हमारे पास ना जो दी इक्वेशन है वो ये x^4 - 10x^2। अब यहां हमारे पास था पहले +9=0। अब यहां इसमें क्या x^4 थी, x^3 नहीं है, तो आपने x^3 लिखना है, उसके बाद x^2 x^1 नहीं है, तो यहाँ इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x^4 + 0x^3। जो पावर आपकी मिसिंग होगी वहां आपने 0 काफी लिखना है और x^ लिख देनी है, उसके बाद -10x^2 आता है, उसके बाद x आता है, x आप बनेंगे फिर आना है आपका 0x, उसके बाद कॉन्स्टेंट = 0। अब ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट दिए हैं ना x^4 के x^3 के x^2 के x^2 के और जो कांस्टेंट की 1 है, इनको लिखना रो की फॉर्म में। तो यहां है हमारे पास 1 0 -10 0 and 9। अब यहां हमारे पास 2 रूट्स दिए हैं, पहले हम इसको 1 से करेंगे फिर 3 से सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वैसे ही आसानी से आ जाएगा, 1 1 का 1 0 में 1 को प्लस करेंगे तो आपको 1 आएगा, 1 1 का 1, अब 10 में से 1 को निकाल देंगे तो आपको -9 आएगा, अब 1 9 का 9 -9, अब 0 में इसको प्लस करेंगे तो -9 ही आएगा, उसके बाद अब 1 × 9 -9 आएगा, अब प्लस करेंगे हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अब इसको आप जाकर फिर सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है आपने 3 से, तो फर्स्ट स्टेप में वैसे ही आसानी से आ जाएगा, 3 1 3, 1 में 3 को प्लस करेंगे तो आपका 4 आएगा, 3 4 12, अब यहाँ -9 है +12 है, 12 में से 9 निकाल देंगे 3 आएगा। अगर हमारे पास 2 टर्म दी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इनको हम माइनस करके बड़ी कर छोटी को, साइन आपको बड़ी कहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 3 9, अब इनको सॉल्व करें तो यहाँ भी आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास यहाँ जो आपका 1 है वो x^4 का कोएफिशिएंट है, यहाँ x^3 का बन गया और यहाँ x^2 का बन गया, x^2 का कोएफिशिएंट होगा ये, x का और ये कांस्टेंट था, तो लिखने हैं आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, तो ये है हमारे पास 1 x^2, उसके बाद ये +4x, उसके बाद +3=0। अब यहाँ 1 आप काफी है लिखे हैं, आगे मर्जी होती है आपके ऊपर, इनको मल्टीप्लाई के फैक्टर का नहीं आपने, तो यहाँ आएगा हमारे पास +3x² और +4x, यानी कि 3 × x 3x² आएगा और +4x, आपने 2 टर्म ऐसे फाइंड कर लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला है प्लस करें ना उसके वाला भी होगा हमारे पास +3x और +1x। अब करें मल्टीप्लाई, 3 1 का 3 x × x x² बन जाएगा, अब इनको प्लस करें 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और जो आपका वेरिएबल से जो है 3 4x बन जाएगा, तो यहां पे फैक्टर्स होंगे x^2 + 1x + 3x + 3=0, यानी कि फर्स्ट वाला ये लास्ट आपने ऐसे के वैसे लिखनी है और दरमियान में आपने सिंगल टर्म की बजाय 2 लिखनी है, इनको प्लस करें तो आपका दरमियान वाला ये मल्टीप्लाई करें तो आपके साइड वाला बने, आप फर्स्ट में कॉमन क्या होगा, यहाँ भी आपके x है यहाँ भी है, x कॉमन आ गया इनटू x^2 था, x^1 आप बाहर लेके आ चुके, x^1 रह जाएगा प्लस, अभी कंप्लीट बाहर आ गया, अब यहाँ आपका 1 आएगा, यानी कि इसको इस पर डिवाइड करके 1 आ गया, अब यहाँ आपका 3 कॉमन आएगा, x + 3 1 3=0। अब ये और ये सेम है, इनको आपने कॉमन लिखना है 1 9 और आएगा x + 3=0। अब इसको पुट करें = 0 और इसे पुट करें = 0,
एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल यहाँ आपका प्लस थ्री को वहां रहकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ फिर आपके रूट होंगे ये वाले होंगे और ये वाले होंगे, कितने आपके रूट्स आवर रूट्स आर। तो ये होंगे हमारे पास प्लस वन प्लस थ्री माइनस वन एंड यहां हमारे पास रूट्स होंगे प्लस वन प्लस थ्री माइनस वन एंड माइनस थ्री। अब इसका हमारे पास सेकंड पार्ट अब सेम आप कैसी है क्वेश्चन नंबर फाइव का, उसका भी डायरेवल करना है आपने एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 और 2 आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।